ही नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पोस्ट मार्केट के बारे में। आज का मार्केट कैसा रहा, क्या लॉजिक रहा, कैसे हमने जीरो हीरो में ट्रेड लिया और कल के कुछ स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स हमारे बढ़िया चल सकते हैं विद लॉजिक। एक्चुअल में मैंने कल एक वीडियो डाला था और वहाँ पर मैंने पूछा था कि आप लोगों को जो वीडियोज़ चाहिए वो कैसे चाहिए, विद लॉजिक चाहिए या फिर फटाफट से सिर्फ कॉल चाहिए। तो सारे के सारे रिप्लाई कमेंट्स यही आए थे कि भैया जो भी वीडियोस बनाइए लॉजिक के साथ बनाइए ताकि हमें सीखने में आसानी हो। तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो गाइस कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे कि बैंक निफ्टी आज किस तरह से मूव किया और आने वाला दिन हमारा कल कैसा रह सकता है। तो ये है आपका 5 तारीख, यहाँ पे आप देख पा रहे हो बैंक निफ्टी जो है अपना फर्स्ट कैंडल मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको। फर्स्ट कैंडल आपका ये रहा, रेड रहा, बिल्कुल एक गैप अप ओपनिंग हुआ और बिल्कुल लाल सा कैंडल हमें देखने को मिल गया और खुलते ही 800 का सपोर्ट दिया एंड फिर ऊपर एंड फिर इसको तेज़ी से 800 के सपोर्ट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जैसे ही नीचे आता है यहाँ से फिर एक रिवर्सल आके बैक आ गया और ऊपर जाने लग गया। तो बीच में हमने कोई ट्रेड लिया था उसको हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। हमारे पास कल के लिए कल हमने क्या डिस्कस की थी कि 800 के आसपास हमारे पास स्ट्रांग सपोर्ट जोन है और ऊपर 36,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो ऊपर हमारे पास 36,200 का स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और यहाँ पर बीच में मार्केट बंद हुआ। तो अभी मैं अगर बात करूँ, 15 मिनट का कैंडल आपके सामने है, आज ज़्यादा कुछ मार्केट में उथल पुथल रहा नहीं, लेकिन फिर भी मार्केट जब 2 बजे के आसपास पहुंचा और हमने जब जीरो हीरो कॉल लिया, हमने क्या किया, हमने पुट में हम बने, राइट। हम यहाँ पे कहीं स्टार्टिंग में पुट में बने, हमारा पैसा काफ़ी बढ़िया बना एंड अगेन हम पुट में बने। मार्केट 36,000 के ऊपर गया लेकिन हम फिर भी पुट में एंट्री किए। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान में होगा कि हमने एक यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया था, मैं 5 मिनट का कैंडल लगा लूँगा, ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। तो आपको याद होगा यहाँ पर हमने पूरा एक रेक्टेंगल लगा रखा था ये लेवल में कि मार्केट बार बार इस लेवल से रिवर्स हो रहा है, इस लेवल में मैंने रेक्टेंगल लगा रखा था और कुछ इस तरह से हुआ। मार्केट क्या किया, इस रेक्टेंगल को सबसे पहले इस रेक्टेंगल को ब्रेक किया और नीचे आया तो हमने पुट लिए, पुट में हमारा बढ़िया पैसा बना एंड फिर अगेन मार्केट 36,000 के ऊपर ट्रेड करने लग गया। इवन 36,088 100 के आसपास भी पहुंच गया लेकिन फिर भी हम पुट में बने। उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो मैं इस रेक्टेंगल को पूरा यहाँ तक कर दूँ तो कोई बुला गलत नहीं है, थोड़ा सा नॉइज़ ज़रूर होगा पीछे से, अवॉइड कीजिएगा, सीखने पे फोकस कीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट होगा। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में जीरो हीरो जो ट्रेड होता है ना, यानी एक्सपायरी डे, एक्सपायरी के बिल्कुल एंड में, वो ज़्यादातर डिपेंड होता है ऑप्शन की चेन के ऊपर। तो मैंने भी ऑप्शन चेन एंड साथ में मैक्स पेन और ऑप्शन चेन को मिला के मैंने देखा और मुझे बड़ा बढ़िया लेवल मिल गया। मैक्स पेन हमने देखा जब मार्केट 36,000 के ऊपर गया तो हमने एक चीज़ देखा कि 36,000 के कॉल में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ था एंड ओपन इंटरेस्ट नेट में, ओपन इंटरेस्ट नहीं बल्कि चेंज में भी 1 लाख के अराउंड ओपन इंटरेस्ट था। तो काफ़ी मुझे ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, एक हमें पॉजिटिव हुआ मैं कि 36,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आएगी। एंड सेकंड मैंने मैक्स पेन चेक किया तो मैक्स पेन हमें देखने को मिला 35,900 पे मैक्स पेन था। यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि जो मर्जी हो जाए क्लोजिंग हमें 35,900 के नीचे होने वाली है। हमने क्या किया, फटाफट 36,000 के पुट को बाय कर लिया। 36,000 के पुट को हमने यहाँ पे कहीं बाय किया, सस्ते में हमें मिला और हमारा काफ़ी बढ़िया रहा आज ऑप्शन ट्रेडिंग में। हीरो जीरो कॉल आपको पता है, 3 के 3 कॉल लिया और तीनों कॉल सुपर डुपर हिट रहा। एक तो 2 रुपये का ऑप्शन 80 रुपये के आसपास तक पहुँच गया। चलिए हमने चाहे ट्रेड नहीं करा या हमारे कई व्यूवर्स ने ट्रेड किया, बट अगर हम देखें तो ये काफ़ी खतरनाक रियल हीरो जीरो रहा, काफ़ी बढ़िया रहा। तो ये लॉजिक मेन यही था कि 36,000 के ऊपर मार्केट गया लेकिन OI प्लस मैक्स पेन को हमने देखा और हमने सीधा शॉर्ट किया। तो आप यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पे सीधा इस तरह से बाहर आया, यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल भी बना। ये कैंडल आप देखिए 5 मिनट पे, ये कैंडल नेगेटिव कैंडल एक हमें बनता हुआ मिला, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कैंडल आप देखोगे एक नेगेटिव कैंडल मिला और उसके बाद मार्केट फॉल किया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर अगेन फॉल किया, है ना, फिर अभी रिट्रेस किया। अब कल कैसा हो सकता है बैंक निफ्टी में, ध्यान से समझिएगा। बैंक निफ्टी ने क्या किया है हमारे सामने, बैंक निफ्टी एक रेंज में रह रहे के बार बार नीचे, और एक चीज़ को उसने बहुत रिस्पेक्ट किया, वो लेवल है
800 का, 800 का लेवल थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाता है, चिंता की कोई बात नहीं है, राउंड फिगर मैं पकड़ रहा हूँ, 800 का लेवल इसके लिए स्ट्रांग लेवल मान रहा है। ऊपर ऊपर अगर हम देखें तो 36,000 अभी स्ट्रांग इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया है। अभी कल मार्केट की ओपनिंग अगर 800 के बिलो एक गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमें मार्केट में अच्छा खासा फॉल और पहला टारगेट 600, दूसरा टारगेट 500 हमें नज़र आ जाएगा। कल फ्राइडे है, मार्केट में आपको पता है उतना ज़्यादा कई बार रेंज बाउंड हो जाता है, इतना ज़्यादा मूव नहीं आता है, बट हम बाइंग का सिनेरियो तभी रखेंगे जब 36,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा। अगर 36,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो हम बाइंग में जाएंगे, अदरवाइज हम सेल में जाएंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है आप बोलोगे, फिर हम क्या करेंगे भाई, अगर मार्केट इस रेंज में इस गैप में खुलता है ना तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, रेजिस्टेंस पे बाय और सपोर्ट पे बाय और रेजिस्टेंस पे सेल हम सोच सकते हैं, वो भी हम सिनेरियो को देखकर, वो लाइव में हम सिनेरियोस को देख लेंगे जो सिनेरियो होगा। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जीरो हीरो क्यों लिया, यहाँ पे सिर्फ चार्ट को नहीं, चार्ट पे हमारे पास लेवल्स तो थे ही, 36,000 का हमारे पास स्ट्रांग लेवल था और साथ में ये कैंडल भी 36,000 के नीचे क्लोज दे दिया, और लेकिन साथ ही साथ हमने हमारे पास OI के डेटाबेस भी थे, वो हमारा ज़्यादा हेल्प किया। अभी निफ्टी में क्या रह सकता है, कल निफ्टी ने आज क्या सिनेरियो बनाया, 15 मिनट के कैंडल में अगेन लगाऊंगा तो आप देख पाओगे, हेड एंड शोल्डर्स बना बना के, हेड एंड शोल्डर से गुजर के निफ्टी जो है एक ऊपर के नीचे आया, फिर ऊपर के लेवल में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, लेकिन ऑल ओवर समझ में आया कि निफ्टी जो है स्ट्रांग है, वो बुलिश रहना चाहता है। अगर यहाँ पर कई सारे सेक्टर्स थे जो दबाव में थे, तो बैंक्स हो गए और भी कई सारे सेक्टर्स थे, अगर वो सपोर्ट देते तो शायद ये उड़ता। तो यहाँ पे हमारे पास अगर निफ्टी 16,270 के ऊपर ओपन होता है, 16,270 के ऊपर, तो हमारे पास तेजी का सिनेरियो रहेगा और 16,380 16,350 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। सेल हम कब करेंगे, सेल हम सिर्फ और सिर्फ इस रेंज के नीचे करेंगे, 16,240 के नीचे हम शॉर्ट करने का सोचेंगे, तो मार्केट में जो सिनेरियो बनेगा हम मौके पर देख लेंगे। 16,240 और यहाँ पे 16,270, ये दो लेवल्स आपको याद रखना है। अभी हम स्टॉक्स पे चलते हैं, तो हमारा पहला स्टॉक होगा टाटा स्टील। टाटा स्टील हमने लगाया है, अगर ध्यान से आप टाटा स्टील को देखोगे तो आपको बहुत कुछ टाटा स्टील में मिलने वाला है। टाटा स्टील में एक मैंने यहाँ पर पैटर्न भी बनाया है जो कि हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हम कह सकते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, और साथ ही साथ अगर मैं इसको एक बार डिलीट भी करता हूँ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को मैं डिलीट करता हूँ, सॉरी पहले मैं 1 आवर का चार्ट आपको लगा के दिखाता हूँ। यस, 1 आवर के चार्ट में आप देखोगे टाटा स्टील ने क्या किया है, लगातार हमें एक बढ़िया रैली देखने को मिली है, नीचे के लेवल से एक यहाँ से बढ़िया रैली देखने को मिली, एंड मार्केट जो है ऊपर कंटिन्यूज यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये घंटे का कैंडल है, ध्यान रखिएगा, तो घंटे के कैंडल पे कंटिन्यूज मार्केट ने सपोर्ट लिया है और ये रेजिस्टेंस लिया है, सॉरी मैं गलत बोल गया भाई, माफ़ कीजिएगा, रेजिस्टेंस फेस किया है, राइट, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है और ये 1 घंटा 2 घंटा 3 और 3 6 और 2 8 8 घंटे लगातार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, जो लेवल है 1457, तो 1457, एंड साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगेन आऊँगा, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न एक फॉर्म किया है। आप देखेंगे यहाँ से, ये देखिए, अगर छोटा थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँगा फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ये देखिए, और मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ, सॉरी, राइट, अब आप समझ पाओगे बड़ी बढ़िया से। अब इसको आप कौन सा पैटर्न बताओगे, आप खुद ही कमेंट करके बता दो। मेरे हिसाब से ये हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म किया है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मेरे हिसाब से ये फॉर्म किया है, और यहाँ पे इसका नेकलाइन जैसे ही ब्रेक होता हो गया, हो चुका है, मतलब ये लेवल, बल्कि इसका नेकलाइन है, ये नेकलाइन इसका ब्रेक हुआ है, तो एक बढ़िया तेजी हमें मिलने की संभावना बन रही है। टाटा स्टील में हम ध्यान से देखिएगा, टाटा स्टील में हम बाय करेंगे 1457 रुपये के ऊपर। अब आप पूछोगे 1457 रुपये के ऊपर क्यों, जबकि नेक लाइन तो यहीं पे इसका ब्रेकआउट हो रहा है, तो 1457 के ऊपर क्यों, हम यहाँ पे क्यों नहीं बाय कर सकते, 1457 पे क्यों, हम यहाँ पर 1442 पे क्यों नहीं बाय कर सकते। भाई ऊपर मैंने आपको बताया स्ट्रांग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, सॉरी सपोर्ट मैं कह दिया फिर से, रेजिस्टेंस जोन है, तो अगर आप चाहते हो इतने से प्रॉफिट के लिए तो आप ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस क्या होगा, ये कैंडल का लो 1430 का स्टॉप लॉस होगा, इतने से के लिए आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन मैं बड़ा टारगेट चाहता हूँ तो मैं 1457 के ऊपर ही ट्रेड लूँगा। शॉर्ट कहाँ करूँगा मैं, शॉर्ट मैं सिर्फ और सिर्फ 1394 के नीचे करूँगा, जो कि पॉसिबल है कि नहीं है कल पता नहीं, लेकिन 1394 के नीचे, 1394 के नीचे मैं शॉर्ट करूँगा। नेक्स्ट हमारा ट्रेड बनेगा बजाज फाइनेंस में, बजाज फाइनेंस में मैं आ गया हूँ, और मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूँ, पहले 1 आवर के कैंडल से हम ऑब्जर्व करेंगे।
तो गाइज 1 आवर के कैंडल पे आप देख पाओगे, 1 आवर के कैंडल में बजाज फाइनेंस ने क्या किया था, एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया बहुत शानदार। यहाँ पे आप देख पाओगे ये झंडे का ब्रेकआउट दिया और सीधा ऊपर बूम हो गया सीधा एंड नीचे। एंड अभी यहाँ पर अगर सही तरीके से देखा जाए तो इन्वर्टेड फ्लैग पोल एंड पोल बना सकता है, तो एक रेंज भी यहाँ पे बन रहा है, एक चैनल भी बन रहा है, इस चैनल में काम कर सकता है। लेकिन अगर हमें इसमें 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 इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हम शॉर्ट करेंगे, और इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम बाय करेंगे। तो क्या है हमारे पास लेवल्स हैं, लेवल्स में ऑलरेडी लगा दिया हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे 15 मिनट के कैंडल पे जाना पड़ेगा। और 15 मिनट के कैंडल पे आप देख पाओगे मेरे भाई कि यहाँ पे मैंने बाइंग इनिशिएट करने के लिए लगाया है ये वाला लेवल जो कि है 6282 के ऊपर, और शॉर्ट करने के लिए मैंने लगाया है 6228 के नीचे। 6228 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, 6228 के नीचे शॉर्ट, और बाय हम करेंगे 6282 के नीचे। इसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आ गया कि मार्केट लगातार यहाँ पर एक कंसोलिडेट किया एक रेक्टेंगल में, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट किया एक रेक्टेंगल में, और फिर ब्रेकडाउन किया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेकडाउन दिया। अभी यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल 1 आवर के पैटर्न पे बन रहा है हमारे पास। तो अगर ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देता है तो ठीक है, नीचे की तरफ का ब्रेकआउट डाउन देता है तो भी ठीक है, जहाँ भी चलेगा हम उसके साथ साथ हो लेंगे। ट्रेंड इज योर फ्रेंड जब तक नहीं हो जाता ये बैंड, ठीक है ना, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास होगा डॉक्टर रेड्डी, राइट, डॉक्टर रेड्डी का नेक्स्ट स्टॉक होगा, और डॉक्टर रेड्डी आपके पास दिखाऊंगा मैं। डॉक्टर रेड्डी में मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, 1 आवर का मैं सिर्फ कैंडल लगाऊंगा, और आप चीज़ों को देख पाओगे कि 1 आवर के कैंडल पे बड़ा अच्छा खासा टाइम फ्रेम में ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट किया है लगातार। आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये और ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, तो ये इसका एक रेक्टेंगल बन सकता है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स को ब्रेक करके जिस तरफ निकलेगा वहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो बिलो हमें 4752 के बिलो शॉर्ट और 4807 के अबव लॉन्ग, ये हमारा डॉक्टर रेड्डी का होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक हैवल्स, तो मैं यहाँ पे फटाफट से हैवल्स लिख लूँगा, और हैवल्स इंडिया में मैं यहाँ पे देखूँगा। हैवल्स इंडिया में ध्यान से अगर आप देखोगे तो 1 आवर का कैंडल है ये, मैं थोड़ा सा और शॉर्ट करना चाहूँगा इस कैंडल को, और मैंने इसका एनालाइज ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट यहाँ पे मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, जल्दबाजी में था क्योंकि यहाँ पे यार नॉइस ही बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 आवर के कैंडल पे एक अच्छा खासा पोल बनाया हुआ है, एक बड़ा कैंडल आप कह सकते हो, एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बना, एक बड़ा कैंडल बना काफ़ी रुकने के बाद। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक झंडा टाइप यहाँ पे आपको फ्लैग एंड पोल का पैटर्न देखने को मिल जाएगा। फ्लैग एंड पोल का पैटर्न भी आप इसको कह सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड फ्लैग एंड पोल का पैटर्न का स्टार्टिंग में देखेंगे तो ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट भी मिला लेकिन वो सस्टेन नहीं किया और नीचे आ गया। अभी हमारे पास इसमें क्या है, 15 मिनट के कैंडल में मैं लगाऊंगा भाई, ये नॉइस को प्लीज़ इग्नोर मारना, रिक्वेस्ट है मेरा। अभी अगर ध्यान से देखोगे तो 15 मिनट में अच्छा खासा फ्लैग एंड पोल आपको दिख रहा है, पूरा झंडा नुमा आपको आकृति नज़र आ रही होगी, राइट, ये देखिए पूरा झंडा नुमा। हो सकता है आपका एनालाइज करने का तरीका अलग हो, मेरा एनालाइज करने का तरीका अलग हो, लेकिन मैं इस तरह से ही एनालाइज करता हूँ मेरे भाई। अभी इसका ब्रेकडाउन और इसका ब्रेकआउट हमें ऊपर और नीचे का रास्ता दिखाएगा, तो मैं अगर देखूँ तो मैं अगर इसमें बाइंग इनिशिएट करूंगा तो मैं कम से कम नहीं तो 1239 रुपये के ऊपर, राइट, 1239 के ऊपर बाइंग इनिशिएट करूंगा। शॉर्ट करने के लिए हमारे पास ये लाइन है 1212, 1212 के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा। हैवल्स में ये होगा। आईसीसी बैंक पे आप नज़र रखिएगा कल, आईसीआईसीआई बैंक भी अच्छा मूव दे सकता है। सॉरी यार ये नॉइज़, चलो कोई बात नहीं, मुझे मैं चाहता था यार आप लोग डिस्टर्ब ना हो। तो देखिए अगर आईसीसी बैंक आप देखेंगे, आईसीसी बैंक एक ब्रेकडाउन करने वाला है, और अगर वो 700 के बिलो ट्रेड करने लग जाता है, 700 के बिलो अगर ट्रेड करने लग जाता है तो हम आईसीसी बैंक को अच्छा खासा कल शॉर्ट करेंगे और काफ़ी बढ़िया हमें यहाँ पर पैसा मिलेगा। हमारा टारगेट जो होगा 687 का होगा। क्यों होगा वो आप सबको पता है, मार्केट एक रैली दिखाया, रैली दिखा के एक बॉक्स में ट्रेड किया, उसके बाद फिर ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करके फिर ऊपर गया, लेकिन वो क्या किया, राउंडिंग टॉप बनाया, एक राउंडिंग टॉप बनाया। ध्यान से अगर देखोगे तो ये एक राउंडिंग टॉप है, एक राउंडिंग टॉप बनाया और मार्केट फिर से रिवर्स करने के लिए तैयार है। अगर आप देखोगे ये इसको ध्यान से तो ये एक, इसको आप इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी कह सकते हो। देखो यार पैटर्न्स बहुत सारे बनते हैं, आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किस नज़र से देख रहा है। आप इसको इन्वर्टेड कप एंड हैंडल के नज़र से देख रहे हो या आप इसको राउंडिंग टॉप के नज़र से देख रहे हो, जो जिस नज़र से देखेगा
उसके लिए वही बनेगा। तो मैं इसको राउंडिंग टॉप के नज़र से देख रहा हूँ, और जब इस लेवल को ब्रेकआउट देगा 700 के लेवल को, तो नीचे 687 तक के लेवल हमें देखने को मिल जाएंगे। बाइंग करने के लिए हमारे पास 716 का जोन है, 716 के अबव मैं इसको लॉन्ग करना चाहूँगा। होप करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप जीरो हीरो कॉल में ट्रेड लेते हैं, ये आज थर्सडे है तो जीरो हीरो के बारे में छोटा सा गोल्डन टिप है, जब भी आप जीरो हीरो में ट्रेड लेते हैं तो आप पूरा का पूरा कैपिटल आपका जाने वाला है, जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं, तो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से ही लॉट उठाइए। ऐसा ना कीजिए कि 10 रुपये का प्रीमियम है तो 1000 लॉट उठा लेता हूँ, 500 लॉट उठा लेता हूँ और कोई बात नहीं, अगर चल गया तो करोड़पति बन जाऊँगा। चल गया तो करोड़पति मत सोचिएगा, अगर ना चला तो कितने बड़े करोड़पति बनोगे वो सोच के ट्रेड लेना है ना, 5 लॉट 10 लॉट जितना आपको सही लगता है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट को पहले सोच लीजिएगा, पॉजिटिव को बाद में सोचिएगा। स्टॉक मार्केट है भाई, यहाँ पे ऐसे ही करना है। आप सोचोगे बड़ा ही नेगेटिव बंदा है यार, बिल्कुल भाई आपका खुद का हार्ड अर्न मनी है, आपको सोचना ही पड़ेगा। मैं आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ा ही नेगेटिव बंदा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में सबसे पहले आपको अपने लॉस के बारे में सोचना है। स्टॉक मार्केट में अगर आप अपने कैपिटल को बचा लेते हो तो आप यहाँ पे बाजी करो। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। थैंक यू यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।